हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं जा रहा हूँ जयपुर और ये राइड होने वाली है बुलेट से। लेट करने का हमारा कोई प्लान नहीं है, होटल हमने ऑलरेडी बुक करे हुए हैं। तो फटाफट से मैं अभी निकलता हूँ, मैडम को पिक करता हूँ और सीधा हम निकलते हैं जयपुर के लिए। भाई अभी मैडम को कर लिया पिक और यहाँ से हमने मैप लगा लिया। ये हमें दिखा रहा है ऑलमोस्ट 289, 6 घंटे, 8 बजे बोल रहा है। देखो कोशिश तो करेंगे पहले पहुँचने की, अभी निकलते हैं फटाफट। भाई अभी का अपडेट ये है कि हम लोग रुके यहाँ पे एक सम्राट होटल पे, चाय हमने ऑर्डर कर लिया है, ऐसे छोटा मोटा खाने पीने का सामान ले लिया है। अभी 2-2.5 घंटे हो गए हमें चलते चलते, यहाँ पे 10-15 मिनट रुकेंगे, थोड़ा कमर सीधी करेंगे और फिर से निकल जाएंगे। मेरे ख्याल से एक ब्रेक और ले लेंगे 10 मिनट का, बीच में नहीं ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वैसे देखते क्योंकि हमें ना अंधेरा होने से पहले पहुँचने का ट्राई कर रहे हैं। चलो लेट जी, पहले चाय वाय पी लेते फिर देख लेते हैं। तो गाइस चेक इन हमने कर लिया, रात के 9 बज रहे हैं इस वक्त। हाथ मुँह धो के फ्रेश होके अभी हम जा रहे हैं नीचे, बाहर देखते हैं कुछ खाने के लिए। सिंपल कोजी सा रूम है, एक ये एंट्री है, ये बेड दिया है, ये टीवी है, वो पीछे से बालकनी एरिया मेरे ख्याल से बगल में देखा था अभी। तो इस वाले रूम का और नेक्स्ट वाले रूम का बालकनी एरिया कॉमन है, तो बगल वाले रूम के भी हैं। साइड में स्टूल है, बैठने का सामान दिया हुआ है, वार्डरोब है। चलो ये चीज़ अच्छी मुझे लगी। ये सामने हमको वॉश बेसिन दे दिया है और ये हमारा वॉशरूम है। अभी क्या है कि टाइम हो गया बहुत, तो हम फटाफट से नीचे जा रहे हैं और कुछ खाने के लिए लेते हैं या खाते हैं, लेके आते हैं देखते हैं। अरे भैया ने तल तला के मस्त जो है बर्गर, ये मेयोनीज भी डाल, सब डाल दिया। अब आएगा स्वाद, खा लो मैं कह रहा हूँ। मैं नहीं दूंगा, अलग से बनवाओ। नहीं नहीं मैं थोड़ा खाऊंगा, काटा बुटा नहीं है। जाके खाओ अपनी पानी पूरी। दिस इज डे 2, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं छत पर आ गया हूँ। तो अभी का प्लान ये है कि अभी मैं जाके फटाफट से रेडी होऊंगा, फिर यहाँ पे 9 बजे नाश्ता मिलेगा, नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर मैंने लिस्ट बना ली है कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस, इतने हमारे होटल से कितना कितना डिस्टेंस है। तो सबसे पहले वी विल बी गोइंग टू बिरला मंदिर, उसके बाद हवा महल, उसके बाद जंतर मंतर, फिर उसी के पास में बापू बाजार है, फिर एक लस्सी वाला है यहाँ पे बहुत फेमस, देन आमेर फोर्ट, जल महल और भी हैं काफ़ी चीज़ें। तो देखते हैं मैक्स टू मैक्स कितना कवर होता है आज। भाई अपन लोग हो गए रेडी, अपन लोग रेडी हो गए, बाइक भी रेडी है, मैप हमने लगा लिया बिरला मंदिर का। सबसे पहले बिरला मंदिर जा रहे हैं और खाना वाना हमने नहीं खाया कि मंदिर होने के बाद ही खा लेंगे। अभी यहाँ से दिखा रहा है ये 21 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। तो वैसे अपन पहुँच चुके हैं बिरला मंदिर, बाल बाल ख़राब हो गए थे, कैब लगा ली, बाइक हमने वहाँ रोड पर बाहर खड़ी कर दिया और ये अपना बिरला मंदिर के स्टेयर्स, वहाँ पे भी कुछ मंदिर है पता नहीं, अच्छा यहाँ है मंदिर, सॉरी। देखते हैं अभी कहीं सामान इकट्ठा, सामान रखवाते कहीं क्योंकि हेलमेट वेलमेट लेके कहाँ घूमें। तो यहाँ पे हमें के पास जूते चप्पल घर में जमा करें, टोकन प्राप्त करें, 1 रुपया जोड़ी। तो यहाँ जूते चप्पल देना है 1 रुपये पर पेयर के हिसाब से, फिर हाथ धोने और फिर मंदिर में एंट्री करनी है। मस्त ठंडे ठंडे मार्बल में ठंडे ठंडे पैरों, इधर से चलते हैं ना। स्टीले पे भी एक मंदिर है शिव जी का, एकदम बाहर फोटो लेना मना है, फोन तो रख देते हैं उठा के। अपन लोगों ने घूम लिया फटाफट, कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें, एक मूर्ति थी, अंदर फोटो वोटो को अलाउड नहीं थी। पहले कुछ खाएंगे, भूख लग रही है, फिर जाएंगे हवा महल, देख लो भाई एक बार और कैसा दिखता है ये। अपन आ गए मंदिर से बाहर और मंदिर से बाहर आते ही ये कुछ पाव, वो अपनी बुलेट खड़ी है और ये कुछ पाव भाजी वाले भैया खड़े हैं यहाँ पे, तो हमने इनको पाव भाजी का ऑर्डर दे दिया है।
मस्त फ्रेश पाव भाजी बना रहे हैं, पाव भाजी खाएंगे, चाय वाय पियेंगे और अपन जाएंगे फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जो कि है हवा महल। अभी हमने बाइक लगा दी पार्किंग में, वहाँ पे बड़ी भसड़ है, मतलब हर कोई लूटने के लिए तैयार बैठा है। अब मुझे लगता है अभी भी मैंने कुछ ऑथराइज बंदे पे ही लगाई है, ऐसी लगा दी, बट ठीक है, सेफ लग रही है अब तो। यहाँ बैठ के चाय पी रहे और अभी फिर इसके बाद जाएंगे हम, यहाँ पे मार्केट है कोई, यहाँ पे ना अंदर मार्केट है कोई, इसमें अंदर जाके इसमें सब हर तरीके का सामान मिल जाता है। सिटी पैलेस नहीं जा रहे क्योंकि कोई VIP आया तो टिकट नहीं मिल रही, इतना टाइम भी नहीं अपने पास। महारानी मार्केट जाएंगे, इसके बाद हवा महल देखेंगे, जंतर मंतर देखेंगे, उससे पहले चाय खत्म करेंगे। नहीं मुझे क्या पता, मेरे मैंने नहीं दिया था ना, मैं तो भूल गया था। ये मार्केट है भाई, सर रानी रानी मार्केट या जो भी था ना पीछे जो था वो फुल टाइम वेस्ट है। एक मार्केट से दूसरे मार्केट, एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल, अगर दूसरे चले जाओ, ओवर प्राइस, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, अगर कुछ लेते हो तो टोटल वेस्ट ऑफ मनी एज वेल। तो अभी हम जा रहे हैं फटाफट बाहर कुछ खाएंगे और फिर खाने के बाद जाएंगे जो कौन सा महल है, वो हवा महल, हवा महल जाएंगे। नहीं भाई ऐसे पहन लो, फिर वही करते रहना। आमी मौंजुली का हवा महल का रास्ता, अभी तो बाहर आ गए। टिकट काउंटर क्या है? ऊपर ही से जाना है ना। हवा महल में एंट्री हो रही है और अभी तक हवा बंद हो गई है, हमें हवा आना बंद हो गई जैसे हवा महल में एंट्री हो। भाई से बहुत भीड़ है यहाँ पे, पिछली बार नहीं था इतना कुछ डाल दिया वो बरसात। ओपन आ गए हैं जंतर मंतर पे, लेकिन जंतर मंतर के ना बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, ये पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है जंतर मंतर के लिए, तो इतना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और भी जगह हमारे पास घूमने के लिए। जंतर मंतर हम लोग नहीं गए फिर भीड़ के, अरे ये कौन आ गया? हाँ जी, चलो चलो नहीं है, बस जाओ, बाय बाय। नहीं, राम राम नहीं। जंतर मंतर अपन लोग नहीं गए क्योंकि भीड़ बहुत थी, फिर हम लोग लोकल मार्केट चले गए, वहाँ से हमने जूतियाँ वूतियाँ खरीद लिया। अरे जाने दे भाई, नहीं हिंदी नहीं। अभी अपन लोग जा रहे हैं यहाँ पे लस्सी पीने क्योंकि सब लग रही है भूख, और फिर जाएंगे आमेर फोर्ट जा रहे। अरे बस बेटा बस, इसको देखो क्या चाहिए, बस। ऐसा लग रहा जानता, पिछली बार मैं आया था, ये जानता हूँ मैं इसको। चलो बाय। You've been lost and alone in the city of lights, I know, I know. Getting high, feeling low, and it's out of the open. लोग आ गए हैं अभी आमेर फोर्ट, और भाई साहब अंडे ले तो लिए, बट जो सीढ़ियाँ वगैरह है ना वो बहुत ऊपर तक है और भीड़ भी बहुत है, थकान भी बहुत है, तो अभी इसके ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे वो देखना पड़ेगा। जहाँ तक जाते जाते हैं, अभी कोई टिकट नहीं है, टिकट ऊपर जाके एंट्री पे ही है, तो लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं।
अपन अभी निकल रहे हैं अमेर फोर्ट से और हम जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा सा अंधेरे के टाइम जाने में ज़्यादा अच्छा रहता है। काफ़ी हाई, थोड़ा हाइट पे है तो पूरी सिटी दिखती है, वहाँ से लाइट वाइट दिखती है। बस ये हम पहुँच गए नाहरगढ़ फोर्ट, और यहाँ से ना आपको अभी दिख नहीं रहा होगा बट ये बहुत ऊँचाई पर, और ये पूरी की पूरी नीचे सिटी दिख रही है, पूरी जयपुर सिटी नीचे दिखाई दे रही है। अभी लाइट चलेगी थोड़ी और अंधेरे में तब पता चलेगा। अभी अपन लोग थोड़ा अंदर जाके थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेते हैं फोर्ट को, जब थोड़ी बहुत अंधेरा हो जाएगा थोड़ी बहुत लाइट चल जाएगी तब वापस आएंगे यहाँ पे। भाई एंट्री अपनी होगी नाहरगढ़ में, दो बंदों की टिकट लगी है 100 रुपये, 50 पर हेड। अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब शीश शो का कुछ है, मिरर्स म्यूजियम सामने बहुत कुछ है, बट अपन कर करेंगे नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंदर एक्सप्लोर करके फिर जाते हैं वापस नीचे। भाई पहले सब कुछ एकदम ग्रैंड लेवल पे होता है, हम लोगों के यहाँ टंकी होती है ना, यहाँ देखो टंका टंका, वो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला, ये है वो टंका, गजब। भाई अपना हो चुका है पोपट, क्योंकि अपन लोग गए सनसेट पॉइंट पे, एक तो बहुत भीड़ और ऊपर पहुँचते पहुँचते सन हो चुका था सेट। चलो घर को। सो गाइस वी आर फाइनली बैक होम, मतलब पूरा दिन घूम फिर के सब जगह थक हार के अच्छे से घर आ गए। अभी यहीं पर आके, घर नहीं आई मीन होटल आ गए, रूम पर आ गए, अभी यहीं पे खाने पीने का ऑर्डर कर देंगे, सामने एक ढाबा है वहाँ से ऑर्डर कर देंगे, वो डिलीवर कर देगा, और फिर चेंज करके सोएंगे। कल का प्लान कल सुबह ही चेक करेंगे, और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो में, टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।